जय हिंद किसान युवा साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लहसुन के बारे में बात करने वाले हैं कि जब हमारी लहसुन 70 से 80 या 90 दिन की हो जाती है तब हमें उसमें कौन सा स्पेशल डोज देना चाहिए जिससे कि हमारे उत्पादन में वृद्धि हो। दोस्तों, हमारी जो लहसुन होती है जब 70-80 दिन की हो जाती है तब वो अपना कंद बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, हमें सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बोजाइम की, जो कि हर्बोजाइम लगभग 10 किलो की एक बाल्टी आती है जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। हमें हमारी लहसुन जब 70-80-90 दिन की हो जाती है तब इसका उपयोग करना चाहिए। इसके उपयोग से लहसुन के कंद में वृद्धि तो होती ही है, उसके साथ लहसुन में चमक और उसको स्टोर करने की शक्ति भी भरपूर होती है। हर्बोजाइम 10 किलो प्रति एक बीघा के हिसाब से हमें डालना चाहिए। हर्बोजाइम के साथ हमें और भी कई प्रकार के खादों का उपयोग कर सकते हैं और बहुत ही सस्ता होता है दोस्तों, ज़्यादा महंगा नहीं होता है हर्बोजाइम। तो हर्बोजाइम में हम सबसे पहले लगभग 20 किलो यूरिया, जो कि एक बीघा में हम डालते हैं उसके हिसाब से हमें 20 किलो यूरिया लेना चाहिए, और यूरिया जो बारीक दाने वाला यूरिया होता है हमें उसका ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो बड़े साइज का जो यूरिया होता है वो लगभग 3 से 4 पानी में गलता है, और हमें हमारी लहसुन में ऐसा यूरिया डालना है जो कि तुरंत ही परिणाम दे। तो दोस्तों, बारीक दाने वाले यूरिया हम लेते हैं और इसके साथ ही हमें हर्बोजाइम को मिक्स कर देना होता है। और दोस्तों, एक और बात है, हम इसमें 0050 भी मिला सकते हैं, इससे हमारी लहसुन में बहुत ही शानदार तरीके से हमारी लहसुन के जो कंद होते हैं वह ग्रोथ करने लगते हैं। दोस्तों, इस यूरिया में हमें हर्बोजाइम को अच्छी तरीके से मिला देना चाहिए जिससे कि वह शानदार तरीके से काम करता है। दोस्तों, हर्बोजाइम जो एक उच्च गुणवत्ता की मिट्टी से बना होता है जो कि हमारे कंद में चमक स्टोर करने की शक्ति और उसके जो पीलापन होता है उसको भी दूर करता है, और उसके साथ ही कंद जो होता है वह मोटा और अच्छा चमक वाला कंद बनता है। तो दोस्तों, इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर हमें बराबर मात्रा में हमारे खेत में इसका छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव यानी कि इसको साथ में मिलाकर फेंकना चाहिए जिससे कि बहुत ही शानदार तरीके से हमारी लहसुन में चमक और लहसुन के उत्पादन में वृद्धि हो। जय हिंद। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक का बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार के वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए बनाते रहें।